दोस्तों, रजिया सुल्तान हिंदुस्तान में ममलूक सल्तनत की पांचवी सुल्तान और पहली महिला हुक्मरान थी। इसके अलावा रजिया सुल्तान तुर्की और मुस्लिम तारीख की भी पहली महिला हुक्मरान थी। इनकी पैदाइश 1205 ईस्वी में बदायूं में हुई थी। दोस्तों, रजिया सुल्तान ने हिंदुस्तान पर 1236 से लेकर 1240 तक हुक्मरानी की थी। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के तीसरे सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना जानशीन मुकर्रर किया था। दोस्तों, रजिया सुल्तान बहुत ही जहीन और बेहतरीन हुक्मरान थी और साथ ही एक बहादुर जंगजू भी थी। इस हकीकत के बावजूद भी उनकी हुकूमत महज 3 वर्ष के लिए रही। तारीख के पन्नों में उनके काम में उनकी काबिलियत महफूज हो चुकी है। दिल्ली में रजिया सुल्तान का मकबरा उन जगह में से एक है जो इस बहादुर खातून की यादों को ताज़ा करता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।